माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समायोग रद्द किए जाने के बाद से उत्तर प्रदेश अब तक 1,72,000 शिक्षा मित्रों में से 600 शिक्षा मित्रों की मृत्यु हो चुकी है, जिससे आम शिक्षा मित्रों में आक्रोश व्याप्त है। आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी की जनसभा में शिक्षा मित्रों से वादा किया था कि शिक्षा मित्रों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, शिक्षा मित्रों की समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी संकल्प पत्र में भी शिक्षा मित्रों की समस्याओं का निस्तारण करने का जिक्र किया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार का एक वर्ष व्यतीत होने के बाद भी आज तक शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है। इस कड़ी में हमारी बहन प्रिया गंगावार के 5 दिन भूख हड़ताल के बाद समस्त संघों ने एक साथ एक मंच एक बैनर एक आवाज में 1,72,000 शिक्षा मित्रों की लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया, जिसमें मैं समस्त उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों से अनुरोध करूंगा कि 1 जून से लखनऊ के ईगो गार्डन पार्क में होने वाले विशाल अनवरत धरना प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश का एक एक शिक्षा मित्र प्रतिभाग करें, जिससे कि अपनी ताकत का एहसास उत्तर प्रदेश सरकार को हम करा सकें। साथ ही मैं कहना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र साथियों से कि आप सभी लोग संघवाद की राजनीति से ऊपर उठकर आम शिक्षा मित्र के भविष्य को और अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए लखनऊ के लक्ष्मण मेला पार्क में 1 जून से अनवरत चलने वाले धरना प्रदर्शन में अपनी पूरी ताकत अपनी पूरी ऊर्जा के साथ प्रतिभाग करेंगे। मैं विनय यादव, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश दूरस्थ BTC शिक्षक संघ अलीगढ़ एवं जिला संयोजक संयुक्त शिक्षा मित्र संघर्ष समिति जनपद अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र से आह्वान करना चाहूंगा कि आप सब लोग अपने भविष्य के लिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए निश्चित तौर से एक एक शिक्षा मित्र हमारा लखनऊ की सरजमी में पूरी ईमानदारी के साथ पूरी निष्ठा के साथ अपना सहयोग करें।